तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह साले ने देश छोड़ दिया है। ऐसे में अब अफगानिस्तान की सत्ता किन तालिबानी नेताओं के हाथ में जाएगी? इस सवाल के जवाब में जिन दो नामों पे सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हिब्तुल्ला अंकुतज़ादा। कौन है ये दोनों नेता और तालिबान के भीतर इनकी क्या भूमिका रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं INS24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निहाल। तो चलिए बात करते हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन चार लोगों में से एक हैं जिन्होंने 1994 में तालिबान का गठन किया था। साल 2001 में जब अमेरिका के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर हुए आक्रमण में तालिबान को सत्ता से हटा दिया गया था, तब वो नेटो सैन्य बलों के खिलाफ विद्रोह के प्रमुख बन गए थे। बाद में फरवरी 2010 में अमेरिका और पाकिस्तान के एक संयुक्त अभियान में उन्हें पाकिस्तान के कराची शहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2012 तक मुल्ला बरादर के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। उस समय अफगानिस्तान सरकार शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए जिन बंदियों की रिहाई की मांग करती थी उनकी सूची में बरादर का नाम प्रमुख होता था। सितंबर 2013 में पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो सका कि वो पाकिस्तान में ही रुके या कहीं और चले गए। मुल्ला बरादर तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे भरोसेमंद सिपाही और डिप्टी थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो वो तालिबान के दूसरे बड़े नेता थे। तालिबान के दूसरे नेताओं की तरह ही मुल्ला बरादर पर भी संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाए थे। उनकी यात्रा और हथियार खरीदने पर प्रतिबंध था। अब बात हिब्तुल्ला अंकुतज़ादा की। हिब्तुल्ला अंकुतज़ादा अफगानिस्तान तालिबान के नेता हैं जो इस्लाम धर्म के विद्वान हैं और कंधार से आते हैं। माना जाता है कि उन्होंने ही तालिबान की दिशा बदली और उसे मौजूदा हालात में पहुँचाया। तालिबान के गढ़ रहे कंधार से उनके संबंध ने उन्हें तालिबान के बीच अपनी पकड़ बनाने में मदद की। 1980 के दशक में उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान के विद्रोह में कमांडर की भूमिका निभाई थी, लेकिन उनकी पहचान सैन्य कमांडर के मुकाबले एक धार्मिक विद्वान की अधिक है। वो अफगान तालिबान का प्रमुख बनने से पहले भी तालिबान के शीर्ष नेताओं में शुमार थे और धर्म से जुड़े तालिबान के आदेश वही देते थे। अब देखना ये होगा तालिबान किसको अफगानिस्तान का सत्ता सौंपता है।